इनको उपनिषद कहता है रस वैस रसम जीवायाम लब्ध्वानंद भवती। कृष्ण कौन है यदि कृष्ण आनंद स्वरूप कृष्ण है, इसलिए ये आनंद धाम को श्री आनंद स्वरूप कहलाने इसको स्थापन करते हुए ये ठाकुर जी को स्थापन किया है। यहाँ पर उन्होंने वेद को भी स्थापन किया, और जो बच्चों को देख रहे हैं ना कि जो बच्चे थे वो खड़े हुए हैं, इन्होंने इन बच्चों को फ्री में रह करके यहाँ पर वेद पुराण उपनिषद हमारी भारतीय संस्कृति को ये लोग अध्ययन करे, इनके लिए भी इन्होंने ये सब व्यवस्था किया है। इसलिए आज एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि का दिन हम लोग श्री वृंदावन धाम परिक्रमा करते करते यहाँ पर उपस्थित हुए। लेकिन जब हम वृंदावन धाम परिक्रमा कर रहे थे, रास्ता में बहुत सारे लीला स्थलियों को हम लोग पार करते हुए आए। क्या हम परिक्रमा क्यों करते हैं? ये परिक्रमा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? यदि जो वृंदावन धाम है संपूर्ण कृष्ण लीला को द्वारा रंजित है इसे वृंदावन धाम। जब हम वृंदावन, इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गौर अमार जैसा स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हरिवामी प्रणयी भगत संगे। महाप्रभु ने कृष्ण ने जो लीला की है ये सब लीला स्थलियों को कैसे दर्शन करनी चाहिए, बोले अकेले अकेले नहीं अपना मनमानी गए धूमधाम करके आ गए, और क्या देखा बोले सुअर को घूमते हुए और गैया को और बंदर हमारे चश्मा ले गया और बंदर हमारे फल छेड़ कर ले गया। इसलिए ऐसे ऐसे नहीं, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं दर्शन करनी चाहिए वैष्णव का आनुगत्य में दर्शन करनी चाहिए। जब वैष्णव का आनुगत्य में, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन धाम को आंखों से मत देखा करो। कैसे देखा करो? बोले कानों से देखा करो। कानों से देखा करो मतलब क्या? जब वो लीला स्थलिया में जाएंगे बैठेंगे वहां की लीला कथाओं को श्रवण करेंगे फिर तो हमें वृंदावन धाम की अनुभूति होगी। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जब श्री वृंदावन धाम को परिक्रमा कर रहे थे, जब श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम था चातुर पुष्पांजलि, जिस ग्रंथ में राधा रानी का स्वरूप को उन्होंने वर्णना की राधा रानी कितने सुंदर है। लेकिन वर्णना करते हुए उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को दिया, बोले भैया देखो ये ग्रंथ कैसे है। लेकिन उन्होंने पहला श्लोक में दिखे बेणी बाला गई भणा, जब राधा रानी की चोटी को श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं किसको साथ में, बट जो बेणी है वो ब्यालागिनी, ब्यालागिनी मतलब काला विषधर जहरीले सर्प जैसे, उन्होंने इसको छात्र में उदाहरण दी। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा रू तुमने तो बड़ा सुंदर ग्रंथ तो लिखे हो लेकिन ये थोड़ी सी गलती हो गई, कहां राधा रानी प्रेम स्वरूपिणी भक्त स्वरूपिणी और तुमने उदाहरण क्या दिया चोटी को, चोटी को फिर काला नागिनी के साथ में, अगर ये थोड़ी सी सुधर जाता तो अच्छा रहता। बोले ठीक है भैया मैं कोशिश करूंगा सुधारने के लिए। जब श्री सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते करते रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा है, देखा सुंदर एक कदम वृक्ष में सुंदर एक झूला डला हुआ है और उसको बीच में एक बड़ी प्यारी एक किशोरी बैठी हुई और आस पास में कुछ सखियां उनको झूला में झूला रही थी है? और बड़े सुंदर भजन गा रही थी राधे चोलना पधार झुके आए बदरा, बड़े सुंदर भजन गा रहे थे। इतने में अब राधा रानी का चोटी कैसे है, बोले सर से लेकर के चरण तक उनकी चोटी, आप लोग देखना बड़े सुंदर बेणी बनाते ना, उन्होंने राधा रानी को चोटी को केस को तीन चार उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने चोटी बनाए और राधा रानी झूला में बैठी हुई। जब ये झूला को ऐसे ऐसे झूला रही थी इतने में राधा रानी का जो चोटी वो भी पीछे पीछे झूल रही थी, और चोटी कैसे ऊपर मोटी और नीचे पतली है और एकदम सर से लेकर प्यार तक ऐसे दूर से लग रहा था तीन चार सर्प जैसे ये छोटी जो किशोरी की सर्प ऊपर से चढ़ी हुई। सनातन गोस्वामी इसको देखते ही बोले लाली लाली तुम लोगों को दिख नहीं रहा है तीन चार सर्प चढ़े हुए सर्प ऊपर में, जब वहां दौड़ते हुए गए इतने में वो जो बीच में जो किशोरी बैठी हुई थी थोड़ी सी उनका तरफ में देखी और मिट्टी मिट्टी मंत्र मुस्कुराए पर लीला कहीं गाय। सनातन गोस्वामी तो अक्के बक्के चके हो गए, बोले मैं स्वप्न देखा ना सचमुच से कोई लीला थी। इतने फिर याद आया रूप गोस्वामी ने जो उन्होंने लीला को राधा जी की चोटी को जो प्याला प्याला गिरी फणा
वो काला नागिनी को साथ में उदाहरण दिया था, वो जो बोल रहे थे सुधारने के लिए राधा रानी ने दिखाई, बोले नहीं, बोले रूप गोस्वामी कौन है, बोले श्री रूप मंजरी, मेरी निकुंज के वो सखी है, मंजरी है। साधारण कवि जैसे ग्रंथ लिखते हैं, भक्त लोग का लिखन ऐसे नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन छुरी भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सो विलोकयतम जम श्याम सुंदरम मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। शुद्ध भक्त भजन करते करते उनके हृदय में जब डायरेक्ट रूप में राधा रानी की जो लीलाओं को दर्शन करते हैं, वो जैसे दर्शन करते हैं वो ठीक वैसे लिखते हैं। आकर बोले रूप तुम्हें इसको बदलाने का कोई जरूरत नहीं, आज तुम्हारी कृपा में श्री किशोर जी के हमें दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए जब शुद्ध भक्त जो प्रेमी के भक्त जब परिक्रमा करते हैं ना, हर जगह में ठाकुर जी के लीलाओं का दर्शन करते हैं। लेकिन जैसे साधारण जो भक्त है, हर जगह में वृंदावन का ऐसे कोई स्थल ही नहीं जहाँ पर राधा कृष्ण की प्रेम में लीला नहीं हुई। आते समय बीच में थोड़ी समय बैठे बैठे ना कहते महाप्रभु का विश्राम स्थली है, वहीं पर ही गुरुदेव कहा करते थे, जब हम परिक्रमा करके जब इधर मुड़े, वो इधर मथुरा और इधर वृंदावन। एक समय कंस ने सोचा, मैं पहले उन्होंने भेजा किसको, पुतना को, उसको बाद में सकटासुर, फिर त्रिणावर्त। बोले भैया जिसको भेजता हूँ वापस नहीं आ रही, अरे हमने सुना वो कृष्ण छोटा सा छोरा है, हैं? दो तीन साल की, लेकिन जो गया वो गया वापस नहीं आ रहा है। एक दिन कंस ने सोचा मैं स्वयं जाकर उसको क्यों नहीं मार देता। एक दिन कंस कोशिश किया उन्होंने मथुरा से और वृंदावन के बॉर्डर को प्रवेश करने के लिए, लेकिन वृंदावन की समस्त लीला जोग माया के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब उन्होंने प्रवेश किया ना, इतने में जोग माया उसको पकड़े और उसके कुएं में डुबो दिया। डुबोते ही वो तो 100 साल की डोकरी बन गई, सारे बाल सफेद हो गया, चमड़ी ढीली हो गई, एकदम डोकरी बन गई। क्या कंडा बना उनको, कंडा थपथपाने उनको लगा दिया। उसने देखा पूरा तो बुरी एकदम है, इतने में सब कंडा थपथपाने लगा दी। कुछ दिन बाद में जोग माया ने देखा, जब तक देखा चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टि करें, जिनको महाप्रभु के शत्रु रूप में, कृष्ण की शत्रु रूप में जिनको देख रहे हो, एक तरफ भी वो कृष्ण लीला को पुष्टि करने वाले। अगर कंस नहीं होता कृष्ण लीला इतना बनता, रावण नहीं होता रामायण होता, होता ही नहीं, जगाई माधाई नहीं होता महाप्रभु का महिमा कैसे प्रकाश होता। इसलिए जो माया देखा अगर ये रह गया ना, कृष्ण का लीला ही तो बंद हो जाएगा, कैसे होगा। इसलिए उनको लेकर के फिर उसने डुबाए, फिर कंस बन गया। बोले काम पकड़ उठ बैठ करो, कभी कभी आओगे। इसलिए यहाँ प्रश्न होता है, कंस थोड़ी सी जगह वृंदावन और मथुरा कितना दूर, स्वयं फिर क्यों नहीं जाकर कृष्ण को मारे, ये राक्षस को क्यों भेजते थे, कारण है। एक बार वो टोकरी बन चुका है, बोले भगवान फिर जाऊंगा ना, फिर टोकरी बना। इसलिए कंस भय में प्रवेश नहीं करता था, जहां पर हम लोग बैठे थे वहीं पर वो बद्री बन है, इसलिए वहीं पर आगे कृष्ण गंगा घाट है। जिस समय श्री पराशर ऋषि वहीं से जब प्रवेश कर रहे थे, जब उन्होंने यमुना नदी पार करते हुए आए, जब वापस जाना चाह रहे थे, वहीं पर ही उन्होंने सत्यवती को प्रति दृष्टि की तो उन्होंने गर्भ में भारत का भी दूध पिया। इसलिए वहीं पर श्री व्यास देवता भी था, इसलिए वहीं पर श्री व्यास देव की जन्म वहीं पर हुई। और वहीं पर ही गुरुदेव कहते थे, वहीं पर कहते जब दसम जब उन्होंने श्रीमद भागवत ग्रंथ कहते बद्री का आश्रम पर लिखे, गुरुदेव कहते थे बद्री धाम अब गए बद्रीनाथ, वो तो सूखा भूमि है, लेकिन जो भागवत का दसम स्कंध रस जहाँ पर रासलीला को व्यास देव वर्णना किया, कहाँ ये सूखा भूमि में, ये कहाँ कृष्ण की दिव्य लीला कहाँ स्मृति हो सकती थी। इसलिए गुरुदेव कहते थे यहीं पर श्री कृष्ण गंगा घाट है, देखना वहीं पर भी बद्री जो बेर का फल भी ज्यादा ज्यादा बेर का फल देखोगे। गुरुदेव कहते थे विशेष करके श्री व्यास देव यहीं पर बैठ करके दसम स्कंध की कथा और भगवान की दिव्य जो रासलीला बेणों की जुगल जुगल की भ्रमर की जितने रसमय कथा कहते व्यास देव यहीं पर ही बैठ कर उन्होंने लिखे हैं। इसलिए वृंदावन में संपूर्ण जो लीला स्थली है, संपूर्ण कृष्ण लीला को द्वारा संपूर्ण अभिषिक्त स्थान है। इसलिए आज हम लोग बड़े सौभाग्य बाद एकादशी, एकादशी मतलब
11 इंद्रियों के द्वारा कृष्ण सेवा करना। आज जो हमने वृंदावन धाम की जो परिक्रमा लगाई, जिन लोग ने अंदर का परिक्रमा कभी नहीं कर पाए, थोड़ा किया, लेकिन आज जो पंचकोण से संपूर्ण रूप में परिक्रमा लगाए ना, आज का दिन जो वृंदावन की परिक्रमा लगा लिया, समझो पूरा के पूरा वृंदावन परिक्रमा की दर्शन की पूरा के पूरा आपको फल प्राप्त हो गया। बोले श्री वृंदावन धाम की। আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে 84 ক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমা করতে করতে অন্তর্গৃহ বৃন্দাবনের পরিক্রমায় আমরা এসেছি। একে বলা হয় পঞ্চকোশী পরিক্রমা। 5 ক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমা ধাম আমরা করছি। আর একটা হচ্ছে বৃহৎ বৃন্দাবন।